गुड इवनिंग, आइए फ्रेंड, आज देखते हैं 20 फीट बाय 25 फीट के लिए तैयार किए गए प्लान को। फेसिंग साउथ है, एज पर रिक्वायरमेंट इसमें मात्र एक बेडरूम का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ डाइनिंग हॉल, किचन, सिट आउट और टू व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस का प्रावधान है। साथ ही साथ स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो चलिए देखते हैं प्लान को। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इधर साउथ है, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट 20 फीट है तथा नॉर्थ टू साउथ 25 फीट। यहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं, यही पार्किंग एरिया है। ऐसे 5 फीट और ऐसे 6 फीट 10 इंच आ रहा है, जिसमें एक टू व्हीलर आसानी से पार्क किया जा सकता है। उसके बाद में इधर से आप एंट्री ले रहे हैं, 3 फीट की चौड़ाई में यहाँ ग्रिल गेट प्रोवाइड करना है और ये गेट बाहर खुलेगा। इधर इसके सामने यहाँ सीट आउट बन रहा है, जो कि ऐसे 6 फीट 6 इंच है और ऐसे 6 फीट 5 इंच है, जिसमें देख ही रहे हैं आप ऐसे सोफा का अरेंजमेंट हो रहा है, बीच में सेंटर टेबल है। उसके बाद में यहाँ डी है, 3 फीट 6 इंच व 7 फीट का डोर, और ये अग्निकोण में किचन का प्रावधान किया गया है, जिसका भी साइज अच्छा है, ऐसे 6 फीट और ऐसे भी 6 फीट, और ये 1 फीट 9 इंच की चौड़ाई में कुकिंग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इस साइड में एक विंडो का प्रावधान किया गया है, जिसका साइज रखा हुआ है 3 फीट बाय 2 फीट। D2 का साइज रखा हुआ है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का, और ये सामने डाइनिंग हॉल आ रहा है, जो कि ऐसे 9 फीट 11 इंच है और ऐसे 10 फीट 6 इंच है। इसमें 4 सीटर डाइनिंग टेबल के अरेंजमेंट को दर्शाया गया है, और इस साइड में एक 5 फीट ऐसे और 1 फीट ऐसे विड्थ में एक सेल्फ का प्रावधान किया गया है, ताकि आप इस जगह टीवी लगा सकें एलईडी। और इस साइड में देखिए टॉयलेट का प्रावधान है, जो कि ऐसे 6 फीट 11 इंच है और ऐसे 4 फीट है। इसमें एक वेंटिलेटर का प्रावधान किया गया है, जिसका साइज है 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच। बीच में D2 का प्रावधान है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। उसके बाद में इधर स्टेयर केस का प्रावधान किया गया है, ये 3 फीट की चौड़ाई में यहाँ पर ग्रिल गेट लगाना है 3 फीट बाय 7 फीट का। इस साइड से ऊपर चढ़ना आप शुरू करते हैं, यहाँ ट्रेड की चौड़ाई 9 इंच है, राइजर 7 इंच रखा हुआ है, ये लैंडिंग ऐसे 6 फीट और ऐसे 3 फीट 7 इंच आ रहा है। इस साइड में एक 2 फीट की चौड़ाई में ग्रिल गेट का प्रावधान किया गया है। इधर पीछे एक कट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट 11 इंच और ऐसे 2 फीट, जिसमें आप इस साइड से आसानी से आ जा सकते हैं, और इधर से पर्याप्त मात्रा में आपके इस स्टेयर केस में रोशनी भी आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ये फुल लेंथ में 6 फीट की चौड़ाई में आप यहाँ लगाएं ग्रिल गेट, और सिमिलरली इस साइड में 3 फीट 6 इंच की चौड़ाई में ग्रिल गेट, सील हाइट 2 फीट 6 इंच रखते हुए लिंटर लेवल तक, या आप चाहें तो सीलिंग लेवल तक भी ले जा सकते हैं। और ये एकमात्र बेडरूम है, जिसका साइज ऐसे 8 फीट और ऐसे 12 फीट रखा हुआ है। इस साइड में 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड, यही था आज का प्लान। ये सभी स्क्वायर में स्टिफनर्स को दर्शाया गया है 10 इंच बाय 10 इंच का।
तो यही था आज का प्लान। मिलते हैं अगले दिन नए प्लान के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।